हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में, इसमें आपका हेल्थ, लव लाइफ, वर्क, मूड सब कैसा रहेगा, डिवाइन किस तरह से गाइड करेंगे, तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाएंगे। और इसके बाद जो मैं रीडिंग करूँगी ना, वो शिव शक्ति की तरफ से गाइडेंस पता करूँगी। कल मंडे है तो देख लेंगे क्या गाइडेंस आएगी माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा की तरफ से आप लोगों के लिए। बट अभी 7 डेज़ का प्रिडिक्शन है कि आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे, हर दिन आपको क्या बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं स्पेसिफिक दिन के लिए भी मतलब यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिलेगी बता दूंगी। जैसे मंडे के लिए क्या पर्टिकुलर आपको बातों पर ध्यान रखना है, या ट्यूसडे के लिए, वेंसडे के लिए, ठीक है, ये सारी बातें जैसे जैसे इसमें आता जाएगा मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। और गाइज, रीडिंग ये जनरल है तो हो सकता है, देखो, सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है ये, जब आप जिस भी दिन यहाँ पहुँच रहे हैं उससे ठीक नेक्स्ट 7 डेज़ का ये प्रेडिक्शन होगा। ओके, चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे? वाओ, पहला ही कार्ड हमारे पास सन कार्ड आ गया। कल का दिन तो सन लेकर आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, अबंडेंस, पॉजिटिविटी। 3 ऑफ सोल्स, ओके, 3 ऑफ सोल्स, इट्स ओके। 3 ऑफ सोल्स कोई बहुत ऐसा कार्ड नहीं है, कोई नेगेटिव। देन द फूल, लियो और एक्वेरियस एनर्जी स्ट्रांग है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, एंड द वर्ल्ड। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स की, यानी कि इस वीक आप एक डिसीजन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। ठीक है, वैसे तो देखो ये बहुत अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए, और जो कि सन से स्टार्ट हो रहा है और द वर्ल्ड पर जाकर इसका एंड हो रहा है। इट मीन्स आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स का कार्ड है, नंबर 21। और इसी के साथ यहाँ पर साथ ही में टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि ये वाला वीक भी जो आपका है इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाएगी। इस वीक में थोड़ा सा आपके रिश्ते से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली आप सोचते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला जो आपका एक ब्लॉकेज है ये इस वीक में ओवरकम, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ आपके चेस्ट पर कुछ हैवीनेस भी आपको फील होती होगी अगर, तो वो चीज़ भी आपकी हील हो जाएगी। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं या आप सो रहे हैं, अभी 333 नंबर भी दिख गया मुझे, और यहाँ पे मास्टर नंबर 33 तो है ही। ठीक है, 3 नंबर तो इस वीक में पूरा टाइम ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो यस, ऐसा हो सकता है कि चेस्ट में थोड़ा सा पेन होता है, और अगर पेन नहीं होता तो हैवीनेस सी फील होती है आपको वहाँ पर। ठीक है, ये हो सकता है कि आप कुछ एक ये चीज़ पता है, कभी कभी क्या होता है ना कि मेडिसिन काम नहीं करती इन चीज़ों में। जैसे अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है आपके चेस्ट के आसपास, या फिर आपको आपके थोड़ा सा स्टमक ऊपर की तरफ आपको हैवीनेस फील हो रही है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो तो आपको गैस वगैरह की दवाइयाँ दे देंगे, पेट दर्द की दवाइयाँ दे देंगे। लेकिन ये चीज़ें कभी कभी किस वजह से भी हो जाती है, जैसे आप कोई बात अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो, वो बात आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुश नहीं है ना तो कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ आती रहेगी, लेकिन अगर आप खुश है ना तो जो दिक्कतें आपके साथ हैं वो भी आपको तंग नहीं करेगी, और आपकी लाइफ से धीरे धीरे वो चली ही जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो हमारी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो इस वीक ना आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अबंडेंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिल रही है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये सन कार्ड बिल्कुल यही इंडिकेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि यस, आपकी लाइफ में अब बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है,
अगर कभी आप लोगों को ना ड्रीम ऐसा भी आया हो सकता है कि आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जैसा है, लेकिन आपको बादल हटे और सूरज दिखा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा सूरज दिखा, लेकिन फिर एकदम से उसके आगे फिर से बादल आ गए, कुछ इस तरह का ड्रीम हो सकता है। लेकिन फाइनली अब इस तरह के ड्रीम्स नहीं आएंगे, और नहीं आ रहे तो उसका मतलब यही है कि यस, ब्राइट सन आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो हैवीनेस जो फील हो रही है आपको, हो सकता है ये आपके सर में भी हैवीनेस हो रही हो कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मैं चेस्ट के आसपास ही देख रही हूँ ये हैवीनेस। तो इसके लिए ना देखो आपको क्या करना है, एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। डाइट बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना है, कुछ भी ऐसा नहीं खाना जिससे कि प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाए। और जब भी आप मेडिटेशन करें ना तो अपनी सांसों को बहुत ज़्यादा फील करें, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी सांसों को, जब आप ब्रीथ ले रहे हैं अंदर और जब आप छोड़ रहे हैं तो उस चीज़ को आप फील करो, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, तो इससे ना आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और साथ ही साथ आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चाकरा ब्लॉक है, दैट इज़ वाई ऐसा हो रहा है कि आपको हैवीनेस फील हो रही है। तो ये काम आप करना, ठीक है, आपको इससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि ओवर थिंकिंग एक ब्लॉकेज अभी भी है आपके साथ, तो आप इस पर काम कर रहे हो और ये एक मेन डिसीजन भी आप इस वीक में लोगे, तो यस, ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। वर्क एरिया में भी देखो, सन के नीचे ठीक थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर वर्क एरिया की बात करूँ तो वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आपको इस वीक से ही आपको फील हो जाएगा कि यस, मेरे काम में अब मुझे उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जैसे मैंने एफर्ट्स लगाए थे। अभी तक हो सकता है नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। एंड यस, कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हो, हर दिन कुछ नया अट्रैक्ट कर रहे हो, हर दिन कुछ नया अचीवमेंट आपको मिल ही रही है। तो ये आपके एफर्ट्स हैं, ये और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। आपके सोलमेट के साथ या जिनसे भी आपका रिश्ता है बहुत अच्छा, एक सोल लेवल पर अगर आप किसी के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं तो उसके साथ भी आपका रिश्ता हील हो रहा है और अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। तो यस, डे बाय डे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज हैं ना, ये आपकी अच्छी डाइट और आपको ये वाला मेडिटेशन आप कर देखो, ठीक है। और पानी बहुत ज़्यादा पीना और ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर ना करें, जो होगा होगा और जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है, आप यही समझकर आगे बढ़े। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तक कोई चेंज नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आपको छोटे छोटे चेंजेस को भी एज अ विक्ट्री ट्रीट करना चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस भी लाइफ में अगर आ रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेहनत करो, हर एक चैलेंज के साथ लड़ने की कोशिश करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो चेंजेस क्यों नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। और चेंजेस ना, जिनको एक स्पिरिचुअल जर्नी देते हैं ना डिवाइन फॉलो करने के लिए, तो चेंजेस ऐसे नहीं होता कि आपने आज ही बात सोच ली कल ही हो जाएगा या परसों हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ये चाक्रास बैलेंस करना कहते हैं ना, चाक्रास बैलेंस कर लो, इतना आसान होता है क्या? इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। इन चीज़ों को समझने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या आपको इमोशनली लेवल पर टॉर्चर मिलेगा, आपके पेशेंस को चेक किया जाएगा, आपको आपके हर एक काम में, छोटे छोटे भी काम में ना ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी जाएगी। जब आप उन सबसे डील करते हुए आगे बढ़ोगे तब जाके आपके चाक्रास बैलेंस होते हैं। इतना आसान नहीं होता कि हाँ हमने ऐसा मेडिटेशन कर लेंगे, हम ये टेक्निक फॉलो कर लेंगे और हो जाएगा। ये मेडिटेशन टेक्निक्स तो सप्लीमेंट का काम करती है, मेन आपका कर्मा ही है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस, और आप कितना हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस और आपका फेथ, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा मायने हैं आपकी हीलिंग प्रोसेस में, और तभी आपके चाक्रास बैलेंस होंगे। पहले तो भाई आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, और पेशेंस की बात सुनकर ना आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हो। सबको नहीं कह रही हूँ, बट कुछ है जो कमेंट में भी मुझे मेंशन कर देते हैं कि और कितना पेशेंस रखें और कितना सब्र करें। तो सब्र के लिए तो मैं आपको सिर्फ एक ही शख्स का नाम लूँगी यहाँ पे, माँ पार्वती, ठीक है। उन्होंने कितना सब्र किया था शिव भगवान को पाने के लिए, कितने जन्म लिए, कितनी तपस्या की, ठीक है। और इनके बाद अगर मैं किसी को यहाँ मेंशन करूँगी तो वो अगर कुछ पाना है तो तपस्या तो ऋषि मुनि भी करते थे, और कई कई सालों तक करते थे, ठीक
ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, पेशेंस और साथ साथ आपका कर्मा, ठीक है, आपको हर वो चीज़ दिला देगा जो आप पाना चाहते हो। अगर आपके अंदर वो एक जुनून है कि हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ ले, पानी है तो पानी है कैसे भी करके, ठीक है, तो वो वाला कॉन्फिडेंस आप में से बहुत सारे लोगों में है, तभी तो आप इतना आगे बढ़ गए हैं ना। लेकिन जो जिनमें नहीं है गाइस, अब मैं क्या ही बोलूँ ना उन लोगों के लिए, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न तो, देखो समझने पड़ेंगे ना, लाइफ इतना आसान होती तो हर किसी को जो जिसने चाहा वो ही मिल जाता, इतना आसान नहीं है। कुछ भी डिवाइन ने हमारे लिए फ्री में कुछ भी नहीं रखा, हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत सारा काम करना है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अब बस क्या ही बोलूँ, आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, काम करना ही पड़ेगा। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि डिवाइन बड़े बड़े सपने दिखाते भी उन्हें ही हैं जिनमें कुछ बात होती है, उनको लगता है कि हाँ ये इंसान फॉलो कर सकता है और आगे तक जा पाएगा, ठीक है। तो आप लकी हैं कि इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और आपको इतना बड़ा आपका एम है, आप बहुत लकी हैं कि आपने सोच लिया इवन, है ना, और आप इस पर काम कर रहे हैं। तो यस, थोड़े से ही देखो, थोड़ा बहुत ही मुझे दिख रहा है ब्लॉकेजेस, वरना तो बहुत सही जा रहे हो। आपके वर्क में भी अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपकी पार्टनर के साथ जो कनेक्शन में अनबन हो रही थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है और आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग बन रही है। आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से परेशान रहने लगे हो आजकल, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या ऐसा मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको लेकर ज़्यादा आप ओवरथिंकिंग ही नहीं करनी। बस इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि आपको ओवरथिंकिंग ही नहीं करनी, तो ना आपको स्ट्रेस होगा, ना आपको हैवीनेस फील होगी, ठीक है। हल्का सा मेडिटेशन करिए रोज़ और बहुत सारा पानी पीजिए, डाइट अच्छी फॉलो कीजिए, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी डॉक्टर जिनने जो मेडिसिन दिया आप वो ले लेना, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये चीज़ें भी करें तो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा एक डिसीजन लेने वाले हो और हो सकता है कि इसी वीक में एक अच्छी अनाउंसमेंट आपके पास आ रही है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए येलो कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके साथ साथ नंबर 2 और नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 इस वीक में। और देख लेते हैं गाइज और क्या आपके आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पर ना मेजर और काना से कार्ड्स आते हैं आपके लिए, द वर्ल्ड, टेम्परेंस एंड सन, ये तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं और सन तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है सभी कार्ड से, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, खुद से प्यार करें, खुद को वैल्यू दें, ठीक है, खुद का ऑरा बढ़ाने की और पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, ये आपको करना है, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गाइज, यू आर वेरी क्लोज, बहुत जल्दी आप जो चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है, हो सकता है आपको इसी वीक में मिल जाए, इसके भी चांसेस हाई है। लेकिन पता है क्या मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, तो जहाँ टेम्परेंस का कार्ड है तो ये कार्ड पॉजिटिव, लेकिन ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि आपको थोड़ी हीलिंग की और ज़रूरत है। जैसे कि एक ब्लॉकेजेस निकल कर तो आ ही गया ना, एक ब्लॉकेज आया है यहाँ पर, तो इसको हील करना पड़ेगा। हो सकता है ये हील होते ही आप अपना गोल अचीव कर लें, है ना, तो आपको थोड़ा 8-9 दिन लगेंगे, तब तक के लिए शो द वर्ल्ड द रियल यू, शो द वर्ल्ड द रियल यू, दिखाओ दुनिया को आप कौन हो, रियलिटी में आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आप में क्या टैलेंट है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल गाइस, यानी कि देखो अभी भी 333 नंबर दिखा है मुझे, यस। तो मैं क्या बोल रही हूँ, शो द वर्ल्ड द रियल यू, कोई टैलेंट है ना तो छुपा के मत रखना, अब उसको रिवील करने का टाइम आ गया है, ओके। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना है गाइज, बाय, टेक केयर।